बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी बच्चों मैंने स्पोर्ट मेटल से लिया है और इस सीरीज में हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। बहुत ही इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और शायद आपके मैथ में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, ए पीस ऑफ वायर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, एक वायर है उसको 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसको बेंट किया गया। यहाँ पर लिखा बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ एन आर्क, उसको एक आर्क के फॉर्म में उसको बेंट कर दिया गया है। ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग, यहाँ पर लिखा सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट इट सेंटर। ठीक है, इस टाइप से क्या है, अगर उसका हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़े अगर, तो 45 डिग्री का वो एंगल बना देता है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, वो हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया है, आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले से फिगर बना के रखी है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाला ये आप देख सकते हैं, ये आर्क, ठीक है बच्चों, ये है, इस तार को इस वायर को इस तरीके से बेंड कर दिया गया है, तो इसका मतलब ए बी जो है हमारी वो 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क मानी जाएगी ये। आइए करना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क है 11 सेंटीमीटर, और साथ ही हमारे पास थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला होगा बच्चों थीटा बाई 360 और 2 पाई आर, इस तरीके से लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क की, बट गिवन है 11 सेंटीमीटर, तो 11 को इक्वल रख देना है। तो थीटा की जगह थीटा रखिए, और यहाँ पर 360, और साथ ही 2 की जगह 2 रखना है, पाई की जगह हमें पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, और आर तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए आर को यूं क्यों रखेंगे और इक्वल 11। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आइए देखिए, यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं, आइए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से हम इसको पहले करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 की 0 यहाँ पर ये आ गया। फिर चाहे तो आप इसको 2 से फिर कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 से यहाँ पे किया, 2 9 जा 18, और 0 की 0। ठीक है, 45 से करते हैं, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। तो एक तरीके से हमारा क्या आ गया यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, 11 आर बाई यहाँ पर 2 इंटू 7, इस तरीके से आ गया, और यहाँ पर रखते हैं 11। ठीक है बच्चों, आर हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम आर को इधर ही रखेंगे, बाकी जो इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में उसको इधर राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, जैसे 2 इंटू 7 है इधर ये डिवाइड की फॉर्म में, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता, तो 2 7 जा 14 होता, तो इधर मैं डायरेक्ट 14 लिख देता हूँ, और साथ ये आर के साथ 11 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में हो गया, और साथ ही हम 11 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 11 1 जा 11 होता है, तो आर इक्वल 14 1 जा 14। तो देखिए यहाँ पर रेडियस आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और बच्चों इसमें से देखकर, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे अगले पाठ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।